क्योंकि न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज एक खास मीटिंग थी पीएफआई की और इस खास मीटिंग में मेरे हमेशा पसंदीदा और एक खास शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं। मेरे साथ दिलबाग संडील जी बैठे हैं। दिलबाग संडील जी डीपी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और डीपी ग्रुप ने यहाँ पे इस इवेंट को भी स्पॉन्सर करने का काम किया और दिलबाग जी से जानना चाहेंगे। दिलबाग जी बेसिकली ब्रॉयलर फार्मिंग में काम करते हैं, तो सबसे पहले तो दिलबाग जी आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग जी, पहले तो एक बार मीटिंग से चर्चा शुरू कर लेते कि आज की मीटिंग कैसी रही और कैसा लगा। जैसे मंत्री साहब आए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जो भी आप बताओगे, जो भी समस्या पोल्ट्री से रिलेटेड लेके आओगे, उसका निजात करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा जी, मैं 2007 से मीटिंग अटेंड करता आया हूँ और जो आज की मीटिंग में मैंने अलग से देखने को मिला, जैसे हमारे केंद्रीय पशुपालन फिशरीज मिनिस्टर जी ने भी अश्योर किया है सरकार की तरफ से, और इन्होंने अश्योर नहीं करके भी दिखाया है। केज का मुद्दा था पहले ब्रीडर में, और जैसे सोया का इंपोर्ट का था, तो इन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमारी सरकार ने, उसमें हमें बहुत ही कुछ आनंद आया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया है और खुल के बताया है आगे आने वाले जो सरकार की पॉलिसीज हैं और जो हमें करना चाहिए, हमें उसका यूनिटी के हिसाब से वो एफओपी बनाना चाहिए पोल्ट्री के, तो वो उन्होंने मंत्री जी ने बताया। मतलब नई कार्यकारिणी जो हमारी आज अभी बनी है, तो उसने जितने पिछले साल थे सारे रिकॉर्ड तोड़ के, और आज मेरे को कुछ अलग से ही महसूस हुआ। जी दिलबाग जी, तो आगे अभी अगर मैं ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करूं, ये आपने बहुत सही बात की कि अभी तक की जो आप पीएफआई समस्या लेके गई मंत्री साहब के आगे, उनको एक तरीके से सोल्व करने का काम किया। और लेकिन मैं अभी बात करूं ब्रॉयलर फार्मिंग, आप भी ब्रॉयलर फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, कि मुझे नहीं लगता कि 80% से ज़्यादा लोगों ने अब की बार नुकसान में एक तरीके से वो चीज़ अपने ब्रॉयलर बेचा है। 10% भी लोगों को एक तरीके का फ़ायदा हुआ है अब की बार इस साल में, अगर मुझे गलत हो तो करेक्ट करने का काम कीजिएगा। तो उस सरकार उस चीज़ में कैसे मदद कर सकती है, और जैसा कि हम देखते हैं कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है ना, वो फार्मर के साथ होती है, फार्म गेट पे होती है। प्राइस फ्लक्चुएशन कभी रिटेल काउंटर पे नहीं होती, या फिर कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होता जब प्राइस घटता है या बढ़ता है। तो ब्रॉयलर फार्मिंग को नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से भी हमें आज भी आश्वासन मिला कि हमेशा आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, तो क्या कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि जो फार्मर है वह कहीं ना कहीं अपनी समस्या ही फाइंड आउट करने में लैकिंग बिहाइंड है, अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा? ऐसा है जैसे आपने बोला कि फार्मर पे गेट पे हैं जो, उसको लॉस है रिटेल में, तो रिटेल तो एक ट्रेडिंग है और रिटेलर को तो कभी नुकसान होता ही नहीं, प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, और उसमें प्रोड्यूसर में कौन आएगा? फार्मर आएगा। फार्मर को प्रॉफिट भी आएगा और नुकसान भी आएगा। रिटेलर को तो एक फिक्स मार्जिन है उसका, चाहे वो किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए। दूसरा रही बात उसके प्रॉफिट की, कैसे बढ़ाना चाहिए फार्मर का प्रॉफिट, फार्मर ने अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसने अपना फीड अपना खुद तैयार करो। दूसरा चीज की बात, तो चिक्स तो खैर रेट जो मार्केट रेट है वैसे ही कंट्रोल रेट पे है, लेकिन फीड का अपना फार्मूला तैयार करके, फार्मूला के अपने प्रोडक्ट लेके और अपना फीड तैयार करेंगे, उससे कॉस्ट हमारी लो आएगी, और अपनी खुद की मैनेजमेंट अच्छी तरह से करके बढ़िया माल तैयार करके वो देंगे, तो उसमें लॉस के चांस बहुत ही कम रहेंगे। और फ्लैक्चुएशन की बात थी इस साल में, अभी कोरोना के बाद फ्लैक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा आई है, कभी बर्ड फ्लू की खबर आई और चाहे वो कोरोना की आई, जितनी भी मार पड़ी है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री पे ही, पोल्ट्री सेक्टर पे ही पड़ी है, वो फ्लक्चुएशन का रेट अप डाउन का ही ज़्यादा कारण रहा है, और उसमें हमारे फार्मर भाई सारे किसान भाई नुकसान में रहे। तो दिलबाग जी, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अपनी क्वालिटी को लेके और अपने ही सेल का पॉइंट भी, हम जैसे आप रिटेल की बात करते हैं, अपने खुद के आउटलेट वगैरह दुकानदार खोलें और उस पर हम खुद उसको अपनी क्वालिटी बना करके अपना वो बना के प्रोडक्ट तैयार करके, चाहे वो ड्रेस करके ही उसको सेल करेंगे, तो हम ज़्यादा और अच्छा ग्रो करेंगे,
और नुकसान के उसमें फिर चांस हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये संदेश दे रहा हूँ, तो फार्मर को अपने भाई सब यही काम करें, जैसे फीड तो है ही वो, उसकी कॉस्ट कम करेंगे, और दूसरा हम अपने फार्म पे तैयार करके माल को अपना वो बना के क्वालिटी बना के अपना प्रोडक्ट अच्छा तैयार करके उसको मार्केट में बेचेंगे ना, हाइजीनिक भी करेंगे और ऑर्गेनिक भी करेंगे, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी और उसके रेट भी हमें ज़्यादा मिलेंगे और नुकसान का कोई हमारा चांस नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ दिलबाग जी। दिलबाग जी बेसिकली हरियाणा के जींद से ताल्लुक़ रखते हैं और डीपी ग्रुप के चेयरमैन हैं दिलबाग जी। तो दिलबाग जी, कीमती समय में से समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एग्योग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को, अगर ये आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉयलर फार्मर्स तक दिलबाग जी का संदेश पहुँचाइएगा। और ऐसे ही तमाम पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।